Christ and the Lord of Davis. O Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. And the herbs and the trees do prostrate to Him, and the heaven He raised it high, and He made the balance that you may. Assalamu alaikum guys, welcome back to our channel, Me Mom and Family. वेदर देखें, विजिबिलिटी देखें कैसी है, फोगी है। फुल ऑन मजे कर रहे हैं बच्चे, अपने स्नैक एंजॉय कर रहे हैं। बादशाह मेरा क्यूट बेबी जेलीज खा रहा है। ऑफ डेविस ओ अल्लाह या रब्बी या अल्लाह देयर इन is fruit and palms heavy shaded clusters, the grain with its husk and fragrance. बाहर तो बहुत विंडी है, मैंने भी हाथ निकाल वीडियो बनाने के लिए कैमरा बाहर किया था। ओह माय गॉड, मेरा हैंड भी शेक कर रहा था और मेरा फोन भी। 46 डिग्री है, ये देखो नजर आ रहा है, 46 डिग्री, 46 डिग्री हो गया तकरीबन 6-7 सेंटीग्रेड। Lord of East and the Lord of the West, O Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. And the herbs and the trees do prostrate to Him, and the heaven He raised it high, and He made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth he aati oranges nazar aa gaye hain, open hain, aur ye barrel pade hue hain yahan pe. Oh fruit, dry fruit kitna zyada hai inke paas, ye dekhiye, acha hua na hum aa gaye hain, sab cheeze organic hogi, I know. Yes, okay, ye dekhiye har cheez inke paas organic hai, aur dry fruit jo hai bhara pada hai, ye dekhiye popcorns और स्प्रेड्स भी हैं, कितने किस्म के हैं, ग्रेप्स के हैं, एप्पल के हैं, ब्लैकबेरी के हैं और हकलबेरी के हैं। ये देखें, रियली वी गोना ट्राई दैट। और देखें उसने मेरी वजह से म्यूजिक भी ऑफ कर दिया, मैंने कहा मुझे व्लॉग बनाने हैं। ये भी ये यहीं पे इन्होंने पीछे लगाई हुई है और यहीं पे निकाल, और ये देखें जो कुछ है ये सब इनके अपने फ्रूट ट्रे, कितनी अच्छी सी बनाई हुई है सारी चीजें, मुझे पता है यहाँ की फ्रेश ही होंगी। ये देखो जैम का फ्लेवर देखो, चेरी बटर, चेरी कितने ज्यादा किस्म के इनके पास हैं, स्वीट पोटैटो जैम। और ये यहाँ पे 1975 से हैं ये लोग यहाँ पे, लेकिन इनकी है महंगी लेकिन ये होंगी सही। ऑब्वियसली जाहिर बात है ऑर्गेनिक चीजें तो हर जगह ही महंगी होती हैं। और हम और ये भी देखें, डार्क चॉकलेट्स भी हैं, ये इनके अचार हैं, ये रेलिश, एग प्लांट, बैंगन की, और ये हलापेनियो पेपर जेली है लेकिन हलापेनियो की है, तो अच्छा। सोचो लोग लगा के खाते ही होंगे। और वो देखें पाउडर फॉर्म में ये सारी चीजें भी मिल रही हैं, हर्ब्स भी हैं, अनियंस भी हैं और सिनामन भी है, बहुत सी चीजें हैं, सुमेक पाउडर भी है। और हम ये हलापेनो जो है ये 2 से 3 कलर्स में है, फ्लेवर चेंज होंगे, ले लो। कौन कौन से फ्लेवर्स हैं इनके पास, पीच भी है और कॉफी भी है और पम्पकिन भी है, और फ्रॉम दिस टाइम आई एम गोना ट्राई पम्पकिन वन। ये इन्होंने पाइनएप्पल है उसको करके चिली करके ऐसे बनाया है, हां चिली लेमन पाइनएप्पल। यहां पे मैक्सिकन लोग जो है ना वो अक्सर ही मसाला लगा के ऐसे चीजों को खाते हैं, फ्रूट्स को स्पेशली, ड्राइड स्ट्रॉबेरीज। अच्छा ये तो पकड़ी, बादशाह को पकड़ाओ, मैं देखती हूं। हुर्रम, आई एम फीलिंग कोल्ड, प्लीज। ये क्यों मुझे अच्छा लग रहा है स्टोर के, इन लोगों के अपने जो हैं फार्म्स हैं और ये ग्रो करते होंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वहाँ पे, और फिर जो है फ्रेश फ्रेश को प्रिजर्व करके और ये चीज़ें बनाते होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम लोगों ने इनका एक जो है हनी ली है, और एक ये जो है 2 आइसक्रीम्स ली हैं और एक जेली ली है। ये देखें इनके पास ऑयल भी है, वॉलनट ऑयल और आमंड ऑयल। ये देखें मसल टॉनिक है, फिर जो है डाइजेशन टॉनिक है, इस दो चीज़ों के लिए 2 फैंटेस्टिक ऑल रेमेडीज। ये टमाटर, ये बीट रूट, चुकंदर के चिप्स, ये वेजिटेबल चिप्स, ये कैरेट के चिप्स, एप्पल चिप्स, ये देखो अनियन, प्याज के चिप्स। और हम ये हार्वेस्ट पे भी मिलते हैं, भिंडी के चिप्स, ये भिंडी के, ओकरा,
और ये गार्लिक चिप्स, लहसुन, ये तो खैर की। और ये इनका वेजिटेबल सेक्शन है, इसमें भी काफी चीजें हैं। और ये सब प्योर हैं जो अभी ये निकाल के लाते हैं अपने खुद फार्म से। और इसके साथ साथ यहाँ पे सारा सेक्शन जो है डिफरेंट सॉस का है। The Lord of East and the Lord of the West, O Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. और इनके पास देखिए लेवेंडर बंचीज भी हैं, फ्रेश पिक्ड। ये मजे के लगते हैं, सोने में हेल्प करते हैं। अगर आपको एंग्जाइटी है या आपको इंसोमिया है तो ये हेल्पफुल होते हैं उस कंडीशन में। दे आल्सो हैव पाइस। ये पम्पकिन फ्लेवर है और ये पिस्ताचियो हमने लिया था, दोनों ही अच्छे हैं। होममेड जैसी चीज़ें होती हैं वैसे ही हैं ये भी। और हमने जेली भी इनकी खोली है, मैंने कहा टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। चालीस स्पून दो। किया तो अभी ऑन फ्रूट है अंदर इसके, बहुत मजे का है। पूरा पूरा फ्रूट है, बाइट आ रहा है उसका, चंक्स हर बाइट में चंक्स आ रहे हैं भाई। मुझे भी एक अब ट्राई करने लगे हैं हनी। और हम स्पून के साथ करें, नहीं ये फेक नहीं है ना, कोई चीनी भी नहीं है। हनी भी ट्राई किया, वो भी मजे का था। ऑरेंज ब्लॉसम का है। और इसके साथ भी हम लोगों ने 2 आइसक्रीम के फ्लेवर्स ट्राई किए, एक पम्पकिन किया था और दूसरा वाला कौन सा पिस्ताचियो, वो भी दोनों अच्छे हैं। और थर्ड पे हम लोगों ने इनकी हकलबेरी जैम ट्राई की है, वो भी बहुत अच्छी है, उसमें तो बाकायदा चंक्स हैं फ्रूट्स के। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस साइन, ये देखिए डियर का मतलब है कि बी केयरफुल, यहाँ डियर की जो है क्रॉसिंग है, ये किसी भी टाइम यहाँ डियर निकल के आ सकते हैं रोड पे, और अक्सर निकल भी आते हैं लेकिन ज़्यादातर शाम के टाइम जब रश कम होता है, नहीं तो गाड़ियों से दूर भागते हैं। और लास्ट टाइम हुरम याद है हम लोगों ने देखा था पूरी फैमिली जा रही थी, डैड मॉम और किड्स सारे। नॉर्मली हम अक्सर यहाँ से गैस लगवाते हैं, ये इनका लेफ्ट पे ऊपर इस तरह सारे घर हैं, राइट पे ये इनका छोटा सा डाउन टाउन। ये डाउन टाउन देखें इतना खूबसूरत है, ऐसे लगता है छोटी सी वैली, सारी सराउंडिंग में माउंटेन्स हैं और बीच में छोटा सा ये प्लेस है। दूसरी साइड पे माउंटेन। The herbs and the trees to prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the palace. Thank you. बहुत स्नो होती है तो बस यहाँ आगे से शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक यहाँ पे नहीं है क्योंकि अभी इतनी बारिश हुई नहीं। Hardly, जब से ये सीजन स्टार्ट हुआ है मेरे ख्याल से 2 बारिश हुई है इधर का ही। यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है कि आप जंगल में भी चले जाओगे ना तो आपको बेसिक नीड्स सारी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गैस ना हो, वहाँ पे लाइट ना हो, वहाँ पे बेसिक नीड्स ना हो, हर चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड। वहाँ पे स्टोर्स होंगे, उनका अपना डाउनटाउन होगा, उनका जो मेन स्टोर भी होगा ना वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होगी। अभी हुरम ने मुझे याद दिलाया है सुशी का, यहाँ पे सुशी रेस्टोरेंट आया तो कहते हैं सुशी हमारे कॉन्कट में नहीं, हाँ मिली तो ज़रूर वहाँ पे पिट्सबर्ग में एक रेस्टोरेंट है, वो सुशी सेल करते हैं, इतनी ज्यादा उनके पास वैरायटी और इतना मजे का है। स्टार्टेड दोनों साइड्स पे, ये देखें पाइन ट्रीज बहुत अच्छे लगते हैं दोनों साइड्स पे, यहाँ पे पाइन ट्रीज एक और आपको नजर आती है इन पे, एक और भी अच्छी लगती है। यहाँ पे तो क्या है फ्रेग्रेंस के साथ वैसे भी स्टोर्स पे वो बिकती है, आप जो है ना अपने वेज में रख लें या आप अपने पॉट्स में रख लें, उसकी स्मेल आती रहती है आपको। और ये के पाइन ट्री और जब ये स्नो के साथ कवर्ड होते हैं दे लुक अमेजिंग। टेम्परेचर 39 हो गया 51 से, रिमेम्बर जब मैंने आपको वेरी फर्स्ट टाइम दिखाया था तो 51 था, 33 होता है फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री। ओह माय गॉड, हुरम जस्ट 1 मिनट, लेट मी कैप्चर दैट मोमेंट। वो देखिए क्या सीन है, ब्यूटी ऐसे लग रहा है क्लाउड जो है ना वो नीचे आ गए हैं।
herbs and the trees still. कितनी खूबसूरती है, स्पेशली जब ये दरख्तों से नीचे गिरी होती है ना स्नो, तो बहुत अच्छी लगती है। आप देखें कि अल्लाह ताला ने इन ट्रीज को भी कैसा बनाया है कि हुरम कितनी ठंड बर्दाश्त करते हैं, इनकी ब्यूटी में कोई कमी नहीं आती। ऐसे लग रहा है ना किसी मूवी का सीन है, मूवी भी नहीं ऐसा कैप्चर कर सकती, क्योंकि अल्लाह ताला की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनकी तो एक उनको बयान करना बहुत मुश्किल होता है। इतनी खूबसूरती उसमें रख दी गई होती है कि इंसान के पास जो वर्ड्स हैं वो कम पड़ जाते हैं। अच्छा, ये सीन मैंने पहली दफा देखा। ये देखिए ये कितना खूबसूरत, पहले मैंने देखा था जिस तरह पूरे कवर्ड होती है ना स्नो में, ये जो आधे आधे कवर्ड है ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग जो है स्टार्टिंग की वजह से है। यस, ये ट्रक है जो स्नो हटाता है रोड से। ये देखिए साथ साथ ही साफ होता जा रहा है। मेरा तो मकसद है अपने व्यूअर्स को दिखाना कि वो देखें, हमारे साथ एंजॉय करें और हैप्पी हों। और प्लीज आपने भूलना नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और प्लीज कमेंट जरूर किया करें हमारी वीडियोस पे, वीडियो को शेयर भी किया करें। बिल्कुल ऐसा ही है, इससे आइडिया होता है कि आप कैसी चीजें देखना चाहते हैं, आपको पता है आपको किस तरह का हमारा कॉन्टेंट पसंद आता है। वॉच फॉर स्नो रिमूवल इक्विपमेंट, वो जो ट्रक चल रहे होते हैं स्नो हटाने वाले। अच्छा, ये स्नो भी हटा रहे होते हैं और ये साथ साथ सॉल्ट भी फेंक रहे होते हैं, तो कितनी गलत जगह पे गाड़ी होगी। वो देखो नीचे रिवर, वाओ वो देखें। अल्लाह लॉर्ड ऑफ ईस्ट एंड द लॉर्ड ऑफ द वेस्ट, ओ अल्लाह या रब्बी या अल्लाह, herbs and the trees still prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth he has set it for living creatures. Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West, Oh Allah, Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West, Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. हम आए थे, हम $20 लेते थे, नहीं नहीं 40 लिए थे, 40 चेन भी थी और वो चढ़ा के भी देते हैं। फिर आप जब आगे जाओ तो बकायदा सिटी के आदमी खड़े होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं उतारने में भी, कि अगर किसी को ना, ऐसा नहीं है कि आप खुद ही उतारो, क्योंकि कई लोगों को नहीं आती, इट्स नॉट ईजी टू पुट इट ऑन। वो भी एक सीन था, उस दिन तो मैं थोड़ा डर गया था, गाड़ी स्लिप बहुत कर रही थी और पहले मैंने कभी स्नो पे चलाई नहीं। उन्होंने कितनी देर तक ट्रैफिक बंद कर दी थी। तो वो सब गाड़ियों को रोकते हैं ना, अगर अभी भी कहीं रोका नहीं, ऐसा हुआ पे भी, वहां पे ये था कि चेन तो करवा दी थी हम लोगों ने, उसकी वजह है वो देखते हैं कि कितनी स्नो है, उसकी एक लिमिट है, अगर उससे ज्यादा स्नो है फिर वो चेन्स में भी नहीं जाने देते, फिर भी वापस जाओ, वो तो कंसीडर करता है ना कि डेंजरस है। हाँ, फिर वो स्नो हटाएंगे फिर चलेगा। इसका एक रेडियो का चैनल भी है, पता नहीं 511 है कि 550 है, जिसपे आपको स्नो का बताते हैं, कहाँ कहाँ चेन चढ़ानी है, कहाँ कहाँ स्नो पड़ रही है, कहाँ क्या हो रहा है। अब वो आगे थोड़ी गाड़ी जा सकती है। देखें ये इनका ऑफिस है और स्नो मोबाइल्स, ये वेवर आपको साइन करना होता है सेफ्टी के लिए, लाइक अगर इन केस किसी भी किस्म की इंजरी आई या कुछ भी हुआ तो देखो ना, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। ये सारा एरिया है, अभी इनसे पूछती हूँ कि पर पर्सन कितने चार्ज करते हैं। ये मोबाइल हैं जो कि आप ड्राइव कर सकते हैं स्नो में, ये देखें लोग कर भी रहे हैं, वो देखें लोग कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ मच दे गोना चार्ज, लेट मी सी। अगर आपको स्नो मोबाइल जो है इसको ड्राइव करना है तो बताया है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइक अभी जैसे ये यंगर हैं तो इनको साथ अटेंडेंट होना चाहिए जिसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस है। शूज़ वगैरह नहीं वो प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ वो हेलमेट करते हैं, यही तो है, उसके लिए पूरे शूज़ हो, कपड़े हो, क्योंकि आप जब वहाँ पाँव रखोगे वहाँ तो दो दो तीन तीन फुट स्नो है। बिल्कुल, और 95 चार्ज करते हैं तो आपको तो सब उतारने पड़ेंगे, और 95 चार्ज करते हैं वो, और 30 मिनट की है ये। और देखिए कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये देखिए स्नो क्लियर हो रही है, और ये देखिए इसकी व्हील्स पे जो है चेन है रैप हुई हुई।
हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोगों को कोई हलाल रेस्टोरेंट मिल जाए। यहाँ पे दो हैं, एक तो इंडियन है और एक मेडिटेरेनियन है। ओपन है ना? ऑब्वियसली ओपन है। Macha, you're gonna get cold. Stop it. I'm gonna buy you gloves. I'm gonna buy you gloves. Then you can play. No, he threw it at me. Leave it. Mediterranean restaurant है यहाँ पे आए हैं आज टीम्स। बाकी आप ये देखें इसी प्लाजा में कितनी चीज़ें हैं। चाय शॉप है, पिज़्ज़ा पास्ता रेस्टोरेंट है, ये बाबा शॉप है, इसके अलावा टैनिंग है, लेमन ड्रॉप, स्मूदी। ये स्पेशल, लेट्स गो। विंटर का मेन्यू भी देख लें। विंटर का मेन्यू में है, इनके पास सूप है। ओह लकीली वी हैव सूप, ब्रफ वी हैव सूप। मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी अबाउट दैट। मैं सूप की बात कर रही हूँ। लेंटिल सूप भी है, चिकन लेटस रैप्स भी है, और ग्रीक पास्ता भी है, माही फिश भी है, चिकन फिश एंड चिप भी है। Halal, so. Yeah, so falafel, yeah, is falafel, yes. So Abza, they don't have no chicken or lamb right now, halal? No halal, and our only Greek burger, which is halal, so we sell out. But you have seafood, is it, right? Yes, we yes. We can try their seafood? Yeah, you can see, this has like every detail. मैंने उससे मेक श्योर कर लिया, उसने ग्रिल माही सैंडविच आके, हाँ मैंने उससे मेक श्योर भी कर लिया। मैंने कहा पैन भी आप लोग डिफरेंट यूज़ करते हो कि सेम ही, कैसे डिफरेंट? सही है, मैं मंगा रहा हूँ ना। अब मैं मेन्यू देख रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे देखें। हेलो, बोटिंग और वो सब करने आते हैं, क्योंकि लेक है, सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे। ओके, और सर्दियों में सारी स्कीइंग और आइस स्केटिंग ये सब होता है दोनों सीजन में, क्योंकि लोग नहा नहीं सकते, पानी में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए गर्मियों में। याद नहीं जब उस होटल में रुके थे तो रात को 7 बजे ऐसा था कि पूरे टाहो में कोई नहीं था, और वहाँ पे 5 o'clock ऐसा होता है हमारे वाले टाउन में, सारा डार्क हो जाता है। मगरिब जो है 5 o'clock होती है। और दूसरी बात ये देखें, अभी ट्रीज भी स्नो कैप नहीं है। हाँ, ये लेंटिल सूप है, जबकि चिकन वगैरह नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए ऑर्डर कर ली है कि वेदर जो है ऐसा है कि आप जो है सूप को आप इंजॉय करते हो। ये मसूर की दाल है, साथ कैरेट्स हैं, साथ ये सेलरी है। अच्छा मुझे ये तो बताएं, ये सॉस कौन सी है? टबेस्को, मिर्ची है। इट्स ओके, फिर भी ट्राई करूंगी, थोड़ा जाइए मजे का हो जाएगा। ताकि बॉडी पर पुश ही होंगे। मैं वीडियो क्लिक कर लूं, मैं ऐसे स्लो मोशन शॉट। बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मांगूं। Yummy in my tummy. You wanna try? Cameraman is good. Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. And the herbs and the trees to prostrate to Him. And the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure. And the earth he has set it for living creatures. Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. Is fruit and palms and shaded clusters. Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. And the herbs and the trees do prostrate to Him, and the heaven He raised it high, and He made the balance that you may not be inordinate in respect of measure. And the earth he has set it for living creatures. Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh, no, no, no. The fries are so amazing. और ये वाला क्या था?
ये है हाकिम का ग्रिल माही सैंडविच, इतना बड़ा पीस है, अगर ऐसे देखो पता चल रहा है ये यहाँ से पूरा माही का, और ऐसे जबरदस्त सीजन फ्राइज हैं। हाकिम क्या ख्याल है? बहुत मजे के सॉस भी इन्होंने साथ में मजे के लिए, दिखने में तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। ये मैंने तुम्हारे लिए मंगाया, ये ग्रिल्ड माही डिनर है, ग्रिल्ड फिश है, उसके साथ राइस है और आई थिंक लेमन पेपर सॉस है, और वो जो है साथ आई थिंक वो सैलेड है, ग्रीक सैलेड। प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। हाँ, खा के देखो। मजे का, ये तो मैंने स्पेशली देखा था, मैंने कहा ये तो खाऊंगा, साथ राइस बड़ा जबरदस्त लग रहा है। कैसे हाकिम सैंडविच? ये आई है फिश एंड चिप्स, ये मैंने मंगाई थी, वही साथ फ्राइज, और ये इसके टार्टर सॉस है, और ये दूसरी, और चांदनी ने भी वही मंगाई थी। एंड दैट्स वन मोर इब्राहिम हियर, राइट, विद एनी अदर सॉसेस और एनीथिंग इफ यू कैन। दिस इज चिपोटले, इज इट चिपोटले रैंच? That house sauce? Yes, the house sauce. Can we get a couple of those if you can? And couple of tartars, please. More tartars, you got. Thank you. And palms heavy shaded clusters, the grain with its husk and fragrance. He has made the two seas to flow freely so that they meet together. Oh Allah. Greek pasta. ग्रीक पास्ता जो है वो बस बच गई है, और फ्राइज़ जो हैं, फ्राइज़ इनके बेहद मज़े के हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थे इसलिए जो है ना रह गए हैं, बच गए हैं। वो भी इधर कर दो। डिज़र्ट आ गया, हम लोगों ने बस एक ही स्लाइस मंगवाया है क्योंकि हम सब फुल हैं। कौन सा है, फ्लेवर क्या है? फ्लेवर क्या है हुरम? रेगुलर चीज़ केक के नीचे पोमेग्रेनेट सॉस है। पोमेग्रेनेट सॉस। फूड तो बहुत मजे की थी, बहुत क्लीन थी, एम्बियंस बड़ी परफेक्ट थी, और वेदर की क्या बात है, ये देखे कैसे कैसे हो रही है रेन। सामने सारी लेक है, उसका पानी का कलर ऐसे हुआ हुआ है कि आसमान के साथ मिला हुआ, पता ही नहीं चल रहा कि लेक कौन सी है और आसमान कौन सा है। ऑलमोस्ट मैंने पूरा आपको ये टाउन दिखा दी है, ये डेज इन भी आ गया यहाँ पे। Help me. स्टोर में जा रही हूँ बादशाह को ग्लव्स बाय करने हैं। यहाँ पे देखे बैठा हुआ एंड्रेस में बच्चे, कम हियर बिग बियर, इतना क्यूट लग रहा है। ये देखें यहाँ के वेदर के मुताबिक हर चीज़ यहाँ पे मिलती है, जैकेट्स कितनी अच्छी हैं, फर वाली पैंट्स, शूज, ग्लव्स, स्कीइंग का सामान, बूट्स, स्कीइंग बूट्स, ये आउटफिट्स। अच्छा ठहरो, इनसे पूछते हैं कहाँ पे हैं ग्लव्स जो हैं बच्चों के। बच्चों की कलेक्शन कितनी अच्छी है, ये जैकेट कितनी अच्छी लग रही है, ये बैग्स हैं, ये पूरा आउटफिट है। आ जाओ, कम ही है बादशाह। ये ग्लव्स हैं एडल्ट के और ये बच्चों के हैं। लेट मी आस्क, आई डोंट थिंक सो दे आर फॉर किड्स। दिस माइट फिट मी। आर दे फॉर स्नो? ये स्पोर्ट्स गॉगल्स हैं, स्पोर्ट्स गॉगल्स, ये फैंसी है ना, ये हेलमेट्स हैं। My daddy's waiting for us. Can you stay quiet? Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. And the herbs and the trees do prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth he has set it
for living creatures. Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. ये जो सामने आपका सिग्नल है ना, ये सिग्नल नेवाडा और कैलिफोर्निया स्टेट का बॉर्डर है। अभी हम खड़े हैं कैलिफोर्निया में, और जैसे ही तुम ये सिग्नल क्रॉस सिग्नल क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा नेवाडा, दूसरी स्टेट हो जाएगी। तो इसलिए इसका रोड का नाम जो है वो है नेवाडा स्टेट लाइन, लेक टाहो नेवाडा स्टेट लाइन। तो ये रोड जो है ये डिवाइड कर रही है दो स्टेट्स को। और यहाँ पे किस मशहूर जो शेफ का रेस्टोरेंट भी है याद नहीं करें? नहीं, वो टेम्परेरी आता है, हर जगह जाता है, मैं उसका नाम भूल गया, पहले इसमें आया हुआ था हार्वीज। बाकी बताओ, आपको पता है अब ये जो हमने टर्न किया है, अब ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ये नेवाडा है, और जो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं वो कैलिफोर्निया में। तो ये रोड के बीच की जो कर्व है ये डिवाइड कर रही है कैलिफोर्निया को और नेवाडा को। तो यानी राइट साइड पे नेवाडा है, लेफ्ट साइड पे कैलिफोर्निया। ये देखो जिस तरह होटल पे बेयर भी बना हुआ है, तो ये कैलिफोर्निया का साइन है, ये है कैलिफोर्निया और ये राइट है नेवाडा। होटल के आगे ये देखिए क्या है, ये ना इन्होंने सामने जो है ना, सामने ये लेक है और लेक का व्यू इतना आउटस्टैंडिंग है, वहाँ उसके जो बीच पे सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनकी रिजर्वेशन हो इन जगह पे, अदरवाइज जो आउटसाइडर होते हैं उनको एडिशनल जो है चार्जेस पे करने पड़ते हैं। कवर कर दिया आपको सारा लेक टाहो जो है ना, इस वीडियो में दिखा दिया, रेजिडेंशियल एरिया भी दिखाया है, फिर होटल भी दिखा दिए, फिर रेस्टोरेंट्स भी, फिर इनका जो कमर्शियल एरिया भी इनका दिखा दिया। बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो बादशाह ने क्या किया, अपने पापा की जैकेट पहन ली है और ग्लव्स इसने अभी बाय किए हैं भाई, स्नो के साथ खेलने और स्नो बॉल बनानी है। वो देर Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. And the herbs and the trees do prostrate to Him, and the heaven He raised in respect of measure, and the earth He has set it for living creatures. Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. Oh Allah, Ya Rabbi, Oh Allah, Ya Rabbi, Oh Allah, Ya Rabbi, Ya Allah.